Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बात को मान भी लूं पर चाचा इस बात को नहीं मानेगा। उसके लिए मैं उसके दोस्त हरदयाल की अमानत हूं, जिसे वो किसी दूसरे मजहब के आदमी को कभी नहीं सौंपेगा। आप ही उसके बुजुर्ग हैं। किसकी बात कर रहे हो जी? वो शकुंतला। अहमद भाई,
शकुंतला मेरी बच्ची, कुछ पूछने और बताने की जरूरत नहीं है। बरसों की दूरी के बावजूद हम दोनों की आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। मेरी बच्ची शकुंतला। चाचा, चाचा, देखो कौन आया है। अहमद, अरे यार, अरे यार, अरे यार, तुम तेरे घर वालों को लेने गया था यार। इतनी लंबी जुदाई, मेरी आंखें तरस गई तुझे देखने को। मैं जब रामनगर पहुंचा तो वहां आग, धुएं और लाशों के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन तेरे घर को आग लगाने वाला, तेरे घर वालों को मारने वाला मेरे सामने खड़ा था। लोगों के उस कातिल को कत्ल करने के जुर्म में मुझे सजा हो गई। अहमद, मेरे मन में दुख है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका, पर अहमद तूने अपना वचन पूरा कर दिया। हरदयाल, मुझे तो अपने घर वालों के बारे में पहले ही पता था। बस यकीन नहीं कर रहा था, आज तूने यकीन करा दिया। छोड़, जो हो गया सो हो गया। मेरा कल, मेरे नसीब, तू ये ले, तेरी अमानत मैं आज तेरे हवाले कर रहा हूं। अहमद, भगवान तुझे तेरी अच्छाइयों का सिला जरूर देगा। आज हरदयाल को जो खुशी तेरी चौखट से मिली, तुझे भी वो खुशी जरूर मिलेगी। तू इसे ले जा। देखना एक दिन तू भी अपने बेटे को अपने सीने से लगा के मेरी तरह खुशी के आंसू बहाएगा। तू अपनी खुशी तो संभाल, ले जा इसको, ले जा, ले जा। उस्ताद, ये जो अपना छोटा उस्ताद है ना, गेर लगा के। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उसके रंग ढंग बड़ी तेजी से बदलते जा रहे हैं। क्या क्या देखा तुमने? वो गाड़ी चलाता चलाता ना जाने किन ख्यालों में गुम हो जाता है। अब देखो ना, 50 मील के सफर में 10 मरतबा गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार होते होते बची है। मुझे तो कलमा पढ़ा दिया था ट्रक ने। ओ यार, तुमने उसको रोका टोका नहीं है? उस्ताद, मैंने रोका है, उसने मुझे नीचे उतार दिया। बाकी का सफर बड़ी मुश्किल से कलमा पढ़ते पढ़ते मैंने गुजारा है। ओ यार, तुम्हारा ख्याल में इसका क्या वजह हो सकते है? उस्ताद, तुम मुझे मरवाओगे? ओ नहीं मरवाओगे यार, नहीं मरवाओगे। बताओ क्या बात है? बता दूं? ओ बताओ ना, बताओ यार। अब बताता हूँ उस्ताद, बताता हूँ उस्ताद। मेरे ख्याल में छोटे उस्ताद के जहन में ना कोई लड़की छुप कर बैठा हुआ है। अब देखो ना, उधर मजदूरों ने ट्रक में सामान लोड कर दिया। एक अपना उस्ताद है कि गुम समंदर बैठा रहता है। अब हमने सामान तो उधर पहुंचाना है ना। नूरे, तू अटे पर जा, मैं अकबर खान से बात करूंगे। ठीक है उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम।
नूरा बताने आया था कि ट्रक में सामान भरा जा चुका है और अड्डे वाला तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा बाबा। क्यों, उधर क्यों नहीं जाऊंगे? मैंने कभी आपको हुक्म नहीं डाला बाबा, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मगर क्यों, क्यों वहां नहीं जाऊंगे? आखिर उधर क्या ऐसा? आप अच्छी तरह जानते हैं बाबा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक ऐसा लड़की जो तुम्हारा और मेरा मजहब का नहीं है, उसको तुमने अपने दिल में बसा लिया है। और सोचो अकबर खाना, उसके और तुम्हारा दरमियान में ईंट पत्थर का नहीं, औलाद का ऐसा दीवार है जिसको तोड़ने वाला अपना जान दे देता है। बाबा मजहब का एहतराम अपनी जगह, हम सब एक जैसे इंसान हैं, एक खालिक की मखलूक है। जब उस मालिक के कायनात ने हमें हवा पानी और रोशनी देते हुए कोई फर्क नहीं डाला, तो एक अहमद और हत्याल को मोहब्बतों पर पाबंदियां डालने का कोई हक नहीं। सुनो अकबर खाना बच्चे, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। घर से लेकर मस्जिद तक जो बड़ों बुजुर्गों ने हमको पढ़ाया सिखाया है, वो मेरे लिए जीने का बेहतरीन कानून है। और तुम भी मेरी तरह ट्रक को स्टार्ट करो और जाओ, ये मेरा हुक्म है, जाओ काना। एक और बात बची, ये जो ड्राइवर लोग होते हैं ना, इन पर दूसरों का जान माल का बड़ा भारी जिम्मेवारी होती है। स्टीयरिंग पर बैठने के बाद उसका दिल, दिमाग और नजरें सिर्फ और सिर्फ ड्राइवरी पर होनी चाहिए, समझे? आज मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, चलो चलो बच्चे। तुझे देख के बहुत खुशी हुई हमें। पंडित जी, ये तो आपकी और आपके बेटे की कृपा की वजह से हुआ। शंभू का यूं अचानक मिलना आने की राह बन गई, वरना पंडित जी मैं तो सारी जिंदगी तरसता रहता यहाँ आने को। अरे शंभू का मामा रामनगर का सबसे बड़ा रईस है। उसके ठाट बाट तो मैं देख चुका, ये कागज पत्थर उन्होंने बनवा के भिजवाया मुझे। उन कागजों के बगैर तेरा यहाँ आना नामुमकिन था। इसका अंदाजा तो मुझे तभी हो गया था। अर्दियाल, अब तू इस मुल्क के बजाय उस मुल्क का शहरी है। अरे देख, वीजा खत्म होने से एक दो दिन पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अरे शुभ शुभ बोलो महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? अर्दियाल, जब से वीजे और पासपोर्ट का ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये कानून पूरी दुनिया में लागू हुआ है। पंडित जी, मैं अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहीं क्यों जाऊं? सदियों बल्कि पुश्तों से मैं इस जमीन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हरदयाल, पूरे पश्चिम उत्तर थक्कन सारी धरती भगवान की है, तू वहां ज्यादा खुश रहेगा। परंतु महाराज मैं। अरे मूर्ख, जरा सोच, तेरी जात बरादरी का एक बंदा भी यहाँ नहीं है, तो क्या तू सारी जिंदगी अपनी बेटी को अपने घर बिठाएगा? हरिदास का टाट बाट तू वहां देख चुका है, वो सगे भाई से ज्यादा तेरी इज्जत की हिफाजत करेगा। और अगर तू राजी है तो तेरी बेटी शंभू के नाते वो अपनी बहू बना लेगा।
तो मैं आज ही हरिदास को खत लिख दूंगा। तेरे पहुंचने से पहले वो तेरे कामकाज का आला बंदोबस्त कर देगा। महाराज, दयाल हो रही तुम्हारे यहाँ के घर और जमीनों का सिलसिला, तो वो मैं अच्छे दामों बिकवा दूंगा। ना पंडित जी, मैं अपनी जमीन बेचूंगा नहीं। हेमंत भाई ने क्या क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। पंडित जी, मैं अपनी जमीन, अपना मकान हेमंत भाई के नाम लगाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है दयाल, तेरी मर्जी है। अरे हेमंत ने भी तो दोस्ती का हक अदा किया। जय राम जी, जय राम जी, जय राम जी। जब ये काम ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं देखता हूँ ट्रक खाली हुआ कि नहीं। हाँ, दिलबर खान आया होगा। अस्सलामुअलैकुम भाई। कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी। ट्रक खाली हो गया तुम्हारा? जी, उधर का सामान इधर उतार दिए और इधर का उधर जाने वाला सामान मजदूर साहबान ने ट्रक में सवार करा दिए। सवार करा दिया? हाँ, ट्रक में। अच्छी बात की। बैठो, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो शायद बाजार गए है। अहमद भाई, हाँ? मैं उसके बारे में एक दो बात करना चाहूंगे। हाँ, करो करो। अहमद भाई, आजकल को जो नस्ल है ये थोड़ा हमसे मुख्तलिफ है। हाँ दिलबर खान, ऐसा तो है। अहमद भाई, मेरा अकबर खान थोड़ा जिद्दी है। उसका दिल और दिमाग में एक छोकरी घुसकर बैठ गई। मेरा तुम्हारे सामने एक इल्तजा है, अगर तुम उसके बारे में कुछ करना चाहते तो कर दो। देखो दिलबर खान, ना पहले मेरे अख्तियार में कुछ था और ना अब है। मेरा दोस्त हरदयाल शकुंतला का बाप वापस आ चुका है और शकुंतला भी उसके साथ अपने घर चली गई। ये पागल की तरह सिंह जा रही है। कभी कभी इंसान खुशी में पागल ही हो जाता है। लगता है तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छे के बाद मेरे पिताजी वापस आ गए। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। तुम जानते हो, मैंने पूरे गांव वालों को मिठाई खिलाई है। मेरा हिस्सा कहाँ है? तुम्हारा हिस्सा? वो तो मैं भूल गई। अब एक दिन मुझे भी भूल जाना। मैं भूल जाने वालों में से नहीं। ये रहा तुम्हारा हिस्सा, कल से पल्लू में बांध के रखा। मैं जानता था हम दोनों एक दूसरे को भूल जाने वालों में से नहीं। ये तो है, मगर हमारे बीच एक नहीं बेशुमार दीवारें हैं। फिर ये बुद्धू कि हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। वादा? दयाल कहाँ है भाई? अरे आजा आजा, अंदर ही को आजा। अरे यहाँ क्या कर रहा है भाई? क्या क्या ये कागजों में क्या तलाश कर रहा है? अरे ये जो अपनी थोड़ी सी जमीनें है ना, उनकी रजिस्ट्री देख रहा हूँ। कल हम दोनों चलेंगे तहसीलदार जी के दफ्तर में और मैं ये सारा कुछ तेरे नाम कर दूंगा। मेरे नाम क्यों? अरे मजबूरी है भैया, हमें दोबारा रामनगर जाना है। वीजे और पासपोर्ट पर आए।
हरदयाल क्या कह रहा है यार? अहमद भाई, काम बहुत गड़बड़ हो गया था। वो सरहदी चौकी वाले तो हमें नूरपुर आने नहीं दे रहे थे। वो तो भगवान की दया से नसीब अच्छे थे कि वो पंडित मोहनदास का बेटा शंभू मिल गया। शंभू रामनगर में? हाँ भैया, उसका मामा ठाकुर हरि सिंह वहाँ का रईस है। उसने सरकारी कागज पत्र बनवा के हमें यहाँ भिजवाया है। अरे उसने कौन सा तुम पर एहसान किया है? ये सब कुछ उसने अपने भांजे के लिए किया है। परंतु वो ऐसा क्यों करेगा? शकुंतला से ब्याह के लिए। तेरे आने से पहले मोहनदास, शंभू और नवाज खान आए थे मेरे पास ब्याह के लिए दबाव डालने। यार हरदयाल, तुझे वाकई रामनगर जाना पड़ेगा? हाँ अहमद भैया, कागजों के हिसाब से अब मैं यहाँ का नहीं वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा भैया, ये ले, ये तेरी फसलों के, जमीनों के कागजात वागजात है, सारा हिसाब किताब है। और भैया ये है, अरे रुपया तेरा इसमें गुथली। अरे छोड़ना छोड़ना अहमद भैया। अहमद भैया क्या वाकई मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा? हाँ हरदयाल, तुझे अब जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। और शकुंतला भी तेरे साथ जाएगी। ठाकुर मामा ने वहां बाप बेटी दोनों को कौमियत दिलवा दी है। क्या सोच रहे हो बाबा? आज मेरा अहमद भाई से बात हुआ है और उन्होंने यकीनन ना किया होगा। वो ना तो वो शुरू से कर रहे हैं और उसका ऐसा करना जायज भी है। अकबर खाना, तुम अहमद भाई के बारे में कुछ भी सोचो, मगर वो आदमी बड़ा जिम्मेवार है। मैं समझता हूं। और फिर छोकरी का वालिद हरदयाल भी वापस आ गया। बता, तुम्हें किसने बताया? देखो बाबा, इतने अरसे बाद गांव में कोई भी बंदा वापस आए तो सबको पता चल जाता है, लेकिन आप मेरे बारे में कोई बात नहीं करना। इसका मतलब है कि तुमने शकुंतला का ख्याल अपने दिल से निकाल दिए? प्यार प्यार होता है बाबा, कोई गरीब कराएगा नहीं। इसका मालिक जब चाहे उसे घर से निकाल दे। और यार अकबर खाना, तेरा मिजाज भी मेरे को समझ में नहीं आता। कभी मशरिक से बोलते और कभी मगरिब से बोलते। अच्छा अब छोड़ो, इन बातों को भूल जाओ, अपने काम की तरफ तवज्जो दो। ठीक है बाबा, आओ चलो। चलो देख शकुंतला, मुझे नहीं पता कि तू इस बारे में क्या सोचती है, पर सच्ची बात तो ये है कि बंदा अच्छा भी है और सच्चा भी है। तारा, वो अपनी जगह सच्चा है और मैं अपनी जगह, मैं तो तुझसे कुछ नहीं छुपाती, वो अच्छा लगता है मुझे। तो फिर क्या सोच रही है? भूल जा सब कुछ कि वो कौन है और तू कौन है। ठीक है, मैं तेरे कहने पर सब कुछ भूल जाती हूँ। बाकी लोग, मेरा बापू, अकबर के घर वाले भूल जाएंगे क्या? अगर ऐसा है तो अपने आप को उलझाने के बजाय साफ साफ कह दे, नामुमकिन को मुमकिन बनाना तेरे बस की बात नहीं। मैं तो ये भी कह चुकी हूँ,
पर उसने आज का दामन नहीं छोड़ा। कहता है कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरा दिल क्या कहता है? मुझे तो अपने आप से खौफ आने लगा है। जिस दिन बापू और अहमद चाचा को पता चला ना, मेरी खैर नहीं। देख शकुंतला, ऊपर वाले ने जो कुछ तेरे नसीब की किताब में लिख दिया है ना, वो तो हो के रहेगा। बस तू ना बस खैर की दुआ कर। आजकल तो मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ कि भगवान करे तू जल्दी से अपने घर की हो जा, क्योंकि तेरा मसला भी खासा उलझा हुआ है। अभी तो दोनों तरफ ही खामोशी है। पप्पा अपनी जगह चुप बैठी हुई है और अम्मा अब्बा, मेरे अम्मा अब्बा तो लगता है मुझे भूल के ही बैठ गए। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है दादा। तू शेरू भैया से बात कर, उन्हें कहे कि फूफी को तेरे अम्मी अब्बू के पास भेजें और बात आगे बढ़ाए। तू ठीक कहती है, करती हूँ मैं शेरू से बात। चल अब मैं चलती हूँ, बापू इंतजार कर रहा हूँ। बैठ ना। नहीं बस तू अपना ख्याल रखे। तू भी। जीवन तो वहाँ तारा ने बिताना है। तुमने अच्छी बात की, माँ बाप को बेटी की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। जिस घर में बेटी का दिल ही बुझा हो वो घर तो समझो रुख की तरह होता है। हे भगवान, मेरी बेटी शकुंतला तो बहुत समझदारी की बातें करती है। तू इधर किस आस्ते आई है? बाप, अपने गांव में अपने लोगों से मिलने में क्या बुराई है? हाँ, नहीं है बुरी बात, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। रिश्ता है प्यार।